Welcome to this session. ओके सो आज मैंने एडिटोरियल के वो कैब्स पिक आउट किए हैं आप लोगों के लिए एंड आज हम इन वो कैब्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स लिए गए हैं. पहले मैं आपको कुछ वो कैब्स याद करवाती हूँ. वो कैब्स कुछ नए नए तरीकों से आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तीन तरीकों से मैंने वो कैब को याद करवाने की कोशिश की. उसके बाद फिर मैं आपको द हिंदू के एडिटोरियल के वो कैब बताऊंगी. चलिए लेट्स स्टार्ट. आई एम शिवांगी श्रीवास्तव एंड आई डिज लाइव ऑन अकेडमी प्लस. यू कैन लाइक द सेशन इफ यू रियली फाइंड दिस सेशन बेनिफिशियल. अगर आपने अनअकैडमी प्लस पे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एंड इफ यू आर विलिंग टू बाय इट देन यू कैन बाय इट एट दीज आर द यू नो सब्सक्रिप्शन प्लान्स फॉर 12 मंथ्स 6 मंथ्स 3 मंथ्स. सो 6,000 इसकी प्राइस है. बट आपको अगर ये कोड अप्लाई करते हो CV10 तो आपको ये सिर्फ 4860 रुपीज में इट विल कॉस्ट. अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप बाय दिस लिंक @shivi_2623 इज माई टेलीग्राम ग्रुप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप. चलिए जो पहले पहला वो कैब हमारे स्क्रीन पे है वो है अपॉल्ड. अपॉल्ड एक एडजेक्टिव है. ईडी लगा हुआ दिस मीन्स इट इज अ पार्टिसिपल. अपॉल्ड मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही बुरा. अपॉल्ड मतलब होता है वेरी बैड, दैट इज बहुत ही बुरा. लाइक अपॉलिंग वेदर, बहुत ही खराब मौसम. द ड्राइव होम वॉज अपॉलिंग. जो घर गए तो घर की जो ड्राइव थी, जो रोड थी, शायद सड़कें खराब थी काफी. इट वॉज अपॉलिंग. इसको हम और कह सकते हैं शॉकिंग या फिर वेरी बैड. लाइक अपॉलिंग इंजरीज. प्रिजनर्स वर केप्ट इन द मोस्ट अपॉलिंग कंडीशंस. जो कैदी हैं उनको बहुत ही खराब कंडीशन में रखा गया है. नेक्स्ट वो कैब है हमारे स्क्रीन पे, उसका नाम वो है वो प्रोवोकेटिव. प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव है. ओके, प्रोवोकेटिव इज योर एडजेक्टिव. विशाल ने कहा, विशाल की क्वेरी, ओनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ऑन प्लस. विशाल डू यू वॉन्ट टू रीड पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन अनअकैडमी प्लस. देखो इट इज ऑल योर विश. ठीक है, इफ़ यू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और प्राइम सब्सक्रिप्शन देन आप उसमें एक मूवी भी देख सकते हो और बहुत सारी मूवीज भी देख सकते हो. इट इज़ ऑल योर चॉइस. उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपके बैंकिंग के. आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो. आपको सारे पढ़ना आप सारे पढ़ सकते हो और आपको एक पढ़ना आप एक भी पढ़ सकते हो. बट आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो वही है फॉर 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स. तो इट इज़ लाइक दैट. ओके फिरोज, यू आर माई प्लस स्टूडेंट, ग्रेट. तो जो हमारा पहला सेकेंड वर्ड है डेट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव. प्रोवोकेटिव मतलब होता है कॉजिंग थॉट, को सोचना, सोच विचार करना. कॉजिंग थॉट अबाउट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ सोचना. द प्रोग्राम विल टेक अ डिटेल्ड एंड प्रोवोकेटिव लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस. ये कह रहा है कि वो जो प्रोग्राम है वो उस जो बेघर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस, उसके बारे में डिटेल और प्रोवोकेटिव लुक इट विल टेक. मतलब वो अच्छी खासी उसके बारे में सोच विचार करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. काफ़ी बार ये आपके मेंस में पूछा गया है और प्रीलिम्स में पूछा गया. अकाउंटेबिलिटी इज अ नाउन. अकाउंटेबल से बना है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबल आपका वर्ब है एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी नाउन है. टीवाइस में एक सफिक्स लग रहा है, दिस मीन्स कि आपका नाउन बन गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अकाउंटेबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार. तो अकाउंटेबिलिटी भी वही होता है, जिम्मेदारी. द फैक्ट ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू एंड एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर इट और द डिग्री टू विच दिस हैपन्स. ये कह रहा है कि वो ऐसा फैक्ट, द फैक्ट ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होना. एंड जो भी आप जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए तो आप एक सेटिस्फैक्टरी रीजन दे पा रहे हो उस चीज़ के लिए. ठीक है, और द डिग्री टू विच दिस हैपन्स. लाइक देर आर एग्जाम्पल सेंटेंस, देर आर फ्यूरियस डिमांड्स फॉर ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी. ये कह रहे हैं बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड में है ग्रेटर पुलिस अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, ग्रेटर पुलिस अकाउंट मतलब ज़्यादा पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस ज़्यादा जवाबदेही होनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे स्क्रीन पे है वो है एक्विसिस. Acquisition is a verb.
मतलब कि बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना, आपको मन नहीं है, आप बिल्कुल भी उस चीज के लिए राजी नहीं हो, बट स्टिल यू आर एग्रीइंग टू दैट थिंग, यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग ऑफन अनविलिंगली. अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, रिलक्टेंटली ही एक्विस्ट टू और इन द प्लान्स, मतलब उसको मर्जी नहीं थी बट स्टिल वो इस प्लान में ही एग्री टू इट, ही एक्सेप्टेड टू इट. ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच फिरोज. ईट आउट ऑफ समवन्स हैंड, ईट आउट ऑफ समवन्स हैंड का क्या मतलब है? किसी और के हाथ से कौर खाने वाला खाना. इसका क्या मतलब हो गया? किसी और ने आपको मैन्यूपुलेट कर दिया, कोई और आप पे डोमिनेट कर रहा है. बी मैन्यूपुलेटेड और डोमिनेटेड बाई एनदर, किसी और के द्वारा डोमिनेट या मैन्यूपुलेट होना. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है डेट इज कॉल्ड एक्नॉलेज्ड. एक्नॉलेज्ड ईडी लग रहा है, इट्स अ पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव है. नोन और एक्सेप्टेड बाई मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा जाने जाने वाला, डेट इज कॉल्ड एक्नॉलेज्ड बाई एवरी वन. ऐसे बोलते हैं मतलब वो चीज सबके द्वारा एक्सेप्ट और जाने जाना, डेट इज कॉल्ड एक्नॉलेज्ड. नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पे है आउटरीज. आउटरीज इज अ नाउन, मतलब काफी गुस्सा, काफी ज्यादा आवेश, डेट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ आउटरीज, मतलब फीलिंग ऑफ एंगर एंड शॉक. जैसे कि एक एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके स्क्रीन पे, दीज मर्डर्स हैव प्रोवोक्ड आउटरेज अक्रॉस द कंट्री. कोई मर्डर हुआ है और वो पूरे देश भर में, अक्रॉस द पूरे कंट्री, उसने एक फीलिंग ऑफ एंगर और गुस्सा लोगों के बीच में पैदा कर दिया है. दीज मर्डर्स हैव प्रोवोक्ड आउटरेज अक्रॉस द कंट्री. नेक्स्ट जो हमारे सामने वो कैब है वो है कावेड. कावेड अगेन इसमें ईडी लग रहा है, सो इट्स पार्टिसिपल. आप इसको कैसे याद कर सकते हो? इसका मतलब होता है इंटिमिडेटेड और फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? काफी डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा. काऊ जो होती हैं, काऊ बहुत ही शांत और बहुत ही शरीफ सी ऐसे एनिमल हैं, तो वो हमेशा डरे हुए रहते हैं. ये एक्चुअली हम यूज करते हैं, जो काफी कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, उनके लिए हम कावेट पर्सन यूज करते हैं. फ्राइटेंड, बहुत इजिली डर जाना. एपिथेट, एपिथेट मतलब क्या होता है? एक कोई निकनेम से पुकारना किसी को. अ वर्ड और फ्रेज अप्लाई टू ए पर्सन टू डिस्क्राइब अ क्वालिटी, किसी पर्सन को कोई वर्ड या फ्रेज से बुलाना, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता हुआ कोई वर्ड या फिर फ्रेज से उसको कॉल करना, एक निकनेम उसको दे देना, एपिथेट. नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है गार्नियर. गार्नियर इज अ वर्ब. गार्नियर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना. ठीक है, टू गार्नियर समथिंग, टू हार्वेस्ट और गैदर समथिंग, इकट्ठा करना, एंड स्टोर इट इन सम प्लेस और थिंग, और कहीं पे उसको फिर से जमा करना, स्टोर करना, डेट इज कॉल्ड गार्नियर करना, कलेक्ट करना. ठीक है, गैदर करना. नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पे है, उसका नाम है डिग्री. डिग्री क्या होता है? टू कंडेम एज रॉन्ग और रिप्रेहेंसिबल, एन एडिटोरियल इन विच ही डिक्राइड द प्रोलिफरेशन ऑफ चीप हैंडगन्स. सेकेंड सेंटेंस कैन बी टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ ए पर्सन और डिनाउंस. आई कुड नॉट बियर टू हेयर माई ओल्ड नर्स और डिक्राइड, मतलब क्या कि किसी को डिसअप्रूवल शो करना, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ ए पर्सन. या फिर अगर आप इसको करेंसी के रिस्पेक्ट में देखो तो आप समझ चुके होंगे, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब डिसअप्रूवल शो करना, रजामंदी ना देना. ओके, तो इसको हम एक और सेंटेंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टू डेप्रिशिएट. जैसे कि करेंसी वगैरह, वो अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं, डेप्रिशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लाइक यूएस डॉलर. तो डेप्रिशिएट मतलब भी वही हुआ, एक नेगेटिव वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पर है, बफर हो रहा है क्या? इज इट बफरिंग गाइस? अच्छा, जल्दी जल्दी हम वो कैप्स कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को हम सिर्फ वो कैप तक ही सीमित रहने देते हैं. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. गैग, गैग इज अ नाउन. गैग एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग फोर्स्ड इनटू और पुट ओवर द माउथ, मतलब कोई आपके मुंह पे से हाथ रख रहा है, आपको बोलने से रोक रहा है. समथिंग फोर्स्ड आउट और पुट ओवर द माउथ टू प्रिवेंट स्पीकिंग और क्राइंग आउट, कोई चीख रहा है, कुछ बोलना चाहता है और हाथ रख के रोक देना, डेट इज कॉल्ड गैग. एन ऑब्स्टिकल टू और सेंसरिंग ऑफ ए फ्री स्पीच, मतलब उसको फ्रीली बोलने नहीं देना, उस चीज को सेंसर कर देना, उस चीज को ब्लॉक कर देना, रोक देना, एक हिंड्रेंस पैदा कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल पैदा कर देना बोलने से. नेक्स्ट वर्ड इज सेडिशन. सेडिशन में आई ओ एन लग रहा है,
ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. कंडक्ट और लैंग्वेज इंसाइटिंग रिबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, मतलब कि देश के प्रति या फिर किसी भी स्टेट के अथॉरिटी के प्रति काफी गुस्से वाले लैंग्वेज यूज करना. कंडक्ट और लैंग्वेज इनसाइटिंग रिबेलियन, इनसाइटिंग रिबेलियन मतलब साइट मतलब बोलना, रिबेलियन मतलब कि काफी क्रोधित रहना, काफी गुस्सा, रिबेलियस नेचर. ठीक है, तो काफी ज्यादा आवेश में रहना, आवेश में कुछ बोलना ऐसा, किसके अगेंस्ट, अथॉरिटी ऑफ स्टेट, कंट्री गवर्नमेंट इनके प्रति. नेक्स्ट वर्ड है जो कि बहुत बार पूछा गया आपसे, मैलिशियस, IOS लग रहा है, तो ये आपका कौन सा वर्ड हो गया, ये आपकी एडजेक्टिव हो गई. ठीक है, ये आपकी एडजेक्टिव हो गई. हैविंग द नेचर ऑफ और रिजल्टिंग फ्रॉम मैलिस, मैलिशियस जैसे कि वायरस ये सब अटैक करते हैं ना, मालवेयर अटैक वगैरह वगैरह, तो उसमें आपने मैलिस का नाम सुना होगा. मालवेयर जो होते हैं वायरस अटैक करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह पे. मैलिशियस मतलब होता है वेरी हार्मफुल. हैविंग द नेचर ऑफ और रिजल्टिंग फ्रॉम मैलिस, डिलेबरेटली हार्मफुल. सो दिस इज व्हाट मैलिशियस, वेरी हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक सा, लाइक जो आपके वायरसेस होते हैं काफी हानिकारक होते हैं आपके कंप्यूटर के लिए, तो ऐसे याद रखेंगे मैलिशियस को, डिलेबरेटली हार्मफुल. नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे सामने ये क्या कहते हैं, वो कैब यूज्ड है, वो है अफ्लोट. अफ्लोट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फ्लोट से बना है, मतलब कि जो पानी में फ्लोट करता रहे, फ्लोटिंग ऑन वाटर. देखिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको इंप्लीमेंट करके कैसे दिखाया है, शी स्पेंट 7 days अफ्लोट ऑन ए राफ्ट, वो 7 दिन तक जो है राफ्ट पे तैरते रही, पानी में वो डूबी नहीं, जो भी बोट है राफ्ट है उस पे 7 दिन तक वो तैरते रही. ही मैनेज्ड टू कीप और स्टे अफ्लोट बाई होल्डिंग ऑन टू द साइड ऑफ बोट. वो एक और सेंटेंस में अफ्लोट को यूज करके बताया गया है, उसने मैनेज किया वो एक साइड बोट का एक साइड पकड़ के मतलब पानी में डूबा नहीं, ही मैनेज टू स्टे अफ्लोट, फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. कोरोना वायरस इज अ मैलिशियस डिजीज, वेरी गुड नेहा, हेलो वृष्टि. नेक्स्ट जो हमारे सामने वो कैब है उसका पहला वो कैब है वो है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस एक नाउन है, फीलिंग्स है ये, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हो गया. कैसी फीलिंग है, एक नेगेटिव वर्ड है ये, मतलब अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम वरी और सैडनेस और पेन, काफी ज्यादा चिंतित रहना, काफी दुखी रहना, काफी दर्द में रहना, दैट इज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस. शी क्लेम्ड दैट द वे शी हैड बीन ट्रीटेड एट वर्क हैड कॉज्ड हर एक्सट्रीम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. उसने क्या बोला कि उसको जिस तरह से उसके वर्क प्लेस पे ट्रीट किया जाता था उससे वो काफी ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से सफर कर रही थी. ठीक है, तो डिस्ट्रेस क्या हो गया, वेरी सैड एंड वेरी पेनफुल फीलिंग टाइप्स. ओके, थैंक यू सो मच धीरज, हेलो अमन. नेक्स्ट जो हमारे सामने वो कैब है, आई वॉन्ट कि आप सारे वो कैब्स को साथ ही साथ याद भी करते चले. हेलो चिराग एंड हेलो कॉमरेड. रेस्क्यू, रेस्क्यू इज अ वर्ब, मतलब होता है बचाना. आई थिंक इस वो कैब की मीनिंग सबको क्लियर होगी. रेस्क्यू क्या हो जाता है, रेस्क्यू मतलब होता है किसी को बचाना किसी चीज से, टू हेल्प समवन और समथिंग आउट ऑफ ए डेंजरस और हार्मफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन. मतलब कोई काफी ज्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन में बाहर नहीं निकल पा रहा है, काफी डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन में, और किसी ने उसको मदद की, मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो क्या बोलेंगे, रेस्क्यू. जैसे कि कोई भी डिजास्टर होता है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो जो हमारी रेस्क्यू टीम होती है उनको बचाने के लिए जाती है, उनके लिए फूड ग्रेन्स वगैरह हेलीकॉप्टर से ऊपर से थ्रो करते हैं. तो यहाँ पे इस तरह का आपको एग्जाम्पल भी है, द लाइफ बोट रेस्क्यू द सेलर्स फ्रॉम द सिंकिंग बोट. डूब रही थी बोट, तो डूबते हुए बोट से सेलर्स को बचाया किसने, लाइफ बोट ने, जो लाइफ बोट थी उसने सेलर्स को डूबते हुए बोट से बचाया. यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं कि सिंकिंग बोट अगर डूब रही है तो उसको हम बोलेंगे सिंक, सिंकिंग बोट पार्टिसिपल है ये, सिंकिंग एडजेक्टिव है, बोट को क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, अगर कोई इंसान डूबता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम सिंकिंग मैन बोल सकते हैं, नो वी कैन नॉट से. फिर क्या बोलेंगे, ड्रॉन बोलते हैं, DROWN, कोई डूब रहा है इंसान तो, और कोई नॉन लिविंग थिंग डूब रहा है तो उसको हम सिंक सैंक संक बोलेंगे, सिंक इज अ वर्ब. ओके, नेक्स्ट प्रेविलेंट. नेहा ने कहा वाई माई MBBS PO मीन्स रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, अच्छा वेन माई MBBS PO वॉज डिक्लेयर देन यू वर सो
डिप्रेस्ड. ओके वेरी गुड. ड्रोनिंग, वेरी गुड फिरोज. आप डिप्रेस्ड हो गए? नहीं, हाँ, नहीं, डिप्रेस्ड मत हो, आगे के लिए और कॉन्फिडेंट रहो कि इस बार तो हम पक्का क्लियर कर लेंगे. जब इस बार आप मेंस तक पहुंच गए तो इस बार आप SBPO मेंस बन जाओगी, ठीक है? सो बी वेरी कॉन्फिडेंट. प्रिविलेंट, प्रिविलेंट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कुछ होना, प्रिवेल करना, कुछ होना. एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली और हैपनिंग ऑफन. दीज डिजीज आर मोर प्रिविलेंट अमंग यंग चिल्ड्रेन. मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कोरोना वायरस, वो काफी ज्यादा अभी प्रिविलेंट है किन के बीच में, जो चाइनीज है उनके बीच में बहुत तेजी से वो फैल रहा है. एक तो केस आपके पता चला इंडिया में भी आ गई, केरला में एक स्टूडेंट को हो गया, वो उस वहाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और वो इंडिया आया और वो लेके आया है डिजीज. तो एक केस इंडिया में भी मिल गया है. ओके देर इज सम क्वेरी, देर आर एक्चुअली सम क्वेरीज. हाउ टू मेक स्ट्रांग, हाउ टू मेक इंग्लिश स्ट्रांग. ओके इंग्लिश इज ऑलरेडी स्ट्रांग शुभम, ऐसे बोलो कि हाउ टू मेक माई इंग्लिश स्ट्रांग, आपकी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग करें. बैंक के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है? धीरज देखिए, देर आर टू टेस्ट सीरीज विच आर वेरी लाइक ऑफ वेरी गुड लेवल, प्रैक्टिस मॉक एंड ऑली बोर्ड. सो फॉर प्रिलिम्स यू कैन ट्राई प्रैक्टिस मॉक, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, एंड फॉर मेंस यू हैव टू रिलाई ऑन ऑली बोर्ड. क्योंकि आपके टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पैटर्न को काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके और आपको एनालिसिस भी बढ़िया दे सके. तो अभी प्रैक्टिस मॉक एंड ऑली बोर्ड आर वेरी गुड, एंड सारे सिलेक्टेड बच्चे प्रैक्टिस मॉक एंड ऑली बोर्ड पे रिलाई करते हैं. एंड फॉर फ्री मॉक्स जो क्विजेज होते हैं वो आप अड्डा के दे सकते हो. अड्डा के फ्री वाले जो होते हैं, जो क्विजेज आती है, दे आर वेरी गुड एंड ग्रेड अप के भी. इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुभम यू हैव टू लाइक रीड फ्रॉम बेसिक्स. इंग्लिश में तीन चीज़ें होती है, एंड ये क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ शुभम के लिए नहीं दे रही हूँ, जहाँ यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए दे रही हूँ. ओके सो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि नेहा यूज पीएम, वेरी गुड नेहा, तभी आप मेंस तक पहुंची हो. ऐसे ही पीएम देते रहना और इस बार आप क्वालिफाई कर जाओगे, देखना. मेंस के पहले आप ऑली बोर्ड के भी पैटर्न को देख लेना नेहा. व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, इंग्लिश में तीन चीज़ें होती है जो आपको पढ़ने वाली चीज़ होती है. फर्स्ट वन इज रीडिंग, सेकेंड वन इज वोकैबलरी, एंड थर्ड वन इज ग्रामर. यू कैन नॉट अवॉइड ग्रामर इफ यू क्लियर द एग्जाम. व्हाई? बिकॉज इंग्लिश की जो प्लिंथ है वो है ग्रामर, आपको वो एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प करती है. नहीं तो आप क्वेश्चन बना के आते हो 27-28, कभी कभार तो 30 में 30 जब बहुत इजी हो जाता है, और नंबर आते 12-13. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है. उसके लिए सबसे पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ग्रामर. उसमें हमें पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट डाउन कर लो. अगर आप मेरे कोर्स से नहीं पढ़ना चाहते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हो. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन. इंटरजेंक्शन की कोई जरूरत नहीं है. देन आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देयर ओनली 3 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एंड द नेक्स्ट वन विच यू हैव टू रीड इज टेंसेस, टेंस. ठीक है, अब ये तीन चीजें पढ़ लो और आर्टिकल्स भी. आप ये चार चीजें पढ़ लो, आपकी ग्रामर यहाँ से कंप्लीट हो जाती है. इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, हर दिन अड्डा और ग्रेड अप के क्विजेस लगाने होते हैं. किस चीज के? क्लोज टेस्ट के और पैरा जंबल के. ठीक है, पैरा जंबल एंड क्लोज टेस्ट के एक अप्रोच होती है, वो अप्रोच सीख लो एक बार, और उसके बाद उसकी रिगरस प्रैक्टिस करो. और मॉक टेस्ट से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहो. अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, कि आप एक बार में पढ़ रहे हो और आपको उसकी हिंदी समझ में आती जा रही है. तो दीज थ्री थिंग्स विल मेक योर इंग्लिश सेक्शन वेरी स्ट्रांग. एंड अगर आपको इतना कुछ खुद से नहीं करना है तो मैं आपके लिए कोर्स लेके आ रही हूँ. 3 फेब से आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा. तो प्रिलिम्स और मेंस दोनों लेवल के वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. और कोर्स की टाइमिंग होगी 1 to 2:30 PM दिन में, ठीक है, और 3 to 4 PM. तो अगर आपको खुद से नहीं पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ कवर करवा दूंगी, तो आप आ सकते हो. खुद से पढ़ना है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, ओके गाइज. देन द नेक्स्ट वो कैब ऑन आर स्क्रीन इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है? देखिए, यही सारे वो कैप्स आपको मॉक टेस्ट में भी शायद दिखते होंगे या फिर एग्जाम में भी. एमिकेबली दिख रहा है, एमिकेबली और एमिएबली में आपको काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं. ड्यूरेबिलिटी, पहले हम ये याद करते हैं, ड्यूरेशन से बना है, मतलब वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगा. जैसे कि बैटरी पे लिखा होता है ड्यूरेबिलिटी करके, है ना, वो कितने समय तक वो चलेगा.
द फैक्ट ऑफ समथिंग कंटिन्यूइंग टू बी यूज विदाउट गेटिंग डैमेज्ड, मतलब वो कितने समय तक चलेगा बढ़िया से, बैटरी की ड्यूरेबिलिटी हम चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है, ऑल आर टॉयज आर टेस्टेड फॉर ड्यूरेबिलिटी, हमारे सारे खिलौने जो हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट टेस्ट किए गए हैं, मतलब सारे टॉयज जो हैं वो बहुत समय तक चलेंगे। ठीक है, सैपिंग, सैपिंग इज योर एडजेक्टिव, इसमें आईएनजी लग रहा है, मतलब पार्टिसिपल है ये। ओके, सैपिंग मतलब होता है किसी को और टाइम के साथ वीक कर देना, मेकिंग समवन और समथिंग वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक सैपिंग हीट और ह्यूमिडिटी, बद से बदतर कर देना, लाइक गर्मी जो है वो बढ़ते जा रही है, ह्यूमिडिटी उमस बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब धीरे 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 और खराब होते जाना, डिटोरिएट करते जाना। These losses have clearly had a sapping effect on morale. ये जो losses हो रहे हैं उस इससे उसकी morale पे sapping effect पड़ेगा, मतलब उसका जो morale है वो काफी ज्यादा deteriorate होता जाएगा। ठीक है, शिल्की, there will be a course of essay writing. मैंने ये course लिया था आपके, I think IBPS PO mains के पहले लिया था, descriptive पे। तो जैसे SBI PO जब हो जाएगा ना आपका prelims, उसके बाद मैं आपको descriptive के लिए course लेके आऊंगी। तो ये मैं हमेशा exam से कुछ दिन पहले लेके आती हूँ और उसमें बहुत अच्छे से आपको prepare भी करवाती हूँ। ठीक है, तो एक कोर्स ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है, नवंबर में आई थिंक मैंने करवाया था मेंस के पहले, और फिर मैं SBI के पहले करवाऊंगी। नेक्स्ट, वो कैब ऑन आर स्क्रीन इज एमिकेबली। एमिकेबली इज अ वर्ब, बना किससे? एमिकेबल से। एमिकेबल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एलवाई लगाती है, बन जाता है एडवर्ब। तो एमिकेबल मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप से, या फिर यूं बोल दूं कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए हुए, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और लीगल एक्शन और अनप्लीजेंट बिहेवियर। मतलब अनप्लीजेंट बिहेवियर मतलब क्या कि अच्छे अच्छे से, बिना कोई लीगल काम के, बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, बढ़िया से वो चीज हो गया। आई होप वी कैन सेटल दिस एमिकेबली, मुझे लगता है कि हम लोग ये दोस्ती पूर्वक इसे खत्म कर सकते हैं। फिर सेकंड एक और एग्जांपल है, द मैरिज डिड नॉट एंड एमिकेबली, जो शादी है वो अच्छे से एंड नहीं हुए। एरर फाइंडिंग कैसे करें, उसमें प्रॉब्लम होती है। एरर फाइंडिंग के लिए ही मैंने आपको बताया है अमन, आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और जो मैंने अभी आपको 5 चैप्टर बताइए, 4 चैप्टर वही आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप एरर फाइंड कर पाओगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी कर पाओगे, जो कि 5+5 10 मार्क्स कैरी करता है। ओके, तो फॉर दैट यू हैव टू रीड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू, क्योंकि रूल्स आप कितने ही याद करोगे। लोग क्या करते हैं, सबको रूल बना बना के लिख देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई क्वांट्स में, हर क्वेश्चन के लास्ट में जो आता है वो एम टायरा में ये चीज बहुत करते हैं, लास्ट की चीज को ऐसे डब्बा में बनाते हैं और लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक, बट देर इज नो शॉर्ट ट्रिक, यू हैव टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट, विदाउट नोइंग द लॉजिक यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। सिमिलरली इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन नॉट लर्न ऑल द 500 रूल्स व्हिच आर गिवन इन सम ऑफ द बुक्स, लाइक 500 एरर डिटेक्शन, यू कैन नॉट लर्न, यू आर नॉट रोबोट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि कैसे वो आया। तो उसके लिए आपको शुरू से नाउन से पढ़ना पड़ता है, और यही चीज मैं आपको करवाऊंगी 3 फरवरी से जो कोर्स आ रही है उसमें। ओके, तो ये रहे हमारे आज के द हिंदू के मतलब एडिटोरियल के, सिर्फ नहीं लिए हैं पूरी पेजेस से, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे उन्हें मैंने उठा के यहाँ पे आपके सामने पेश किया। अब आप कोशिश करोगे इसे जितने समय तक, जितने ज्यादा समय तक आप इसको याद कर सको, डैट वुड बी मोर इफेक्टिव। ओके, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन यूज माई कोड शिवी10, वो आपको नीचे स्क्रॉल में भी लिख रहा होगा, शिवी10 इज माई कोड, SHIVI10, और शिवांगी ऑल्सो यू कैन अप्लाई, SHIVANGI, एंड आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो @ShiVI _2326। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू फाइंड दिस सेशन बेनिफिशियल देन डू लाइक इट।